गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? मैं थोड़ा बिजी हो गया था काम पे, और आप देख रहे हैं किचन पूरा साफ हो गया है, पूरा काम कर दिया हूँ। ठीक है, लास्ट में ये गाड़ी आई कि आवाज़ करते आ रही थी कि गिटर बिटर आवाज़ मालूम है ना, तो खोलते खोलते हमें यहाँ पर एंड हो गए। जो पिस्टन का जो पिन है बाहर नहीं निकल रहा था, ठीक है, तो मार के देखा, हीट करके देखा और दोबारा मार के देखा तो खुला नहीं। तो वीडियो बना लिया हूँ और तुम वीडियो आगे देख लो कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से कूलर मैंने खुद बनाया तो ये इजी निकल गया, तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियोस आते हैं तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, और मैं बाहर घूम के और गाड़ियों के रिव्यूज़ ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज तक तो जो काम था पूरा ख़त्म हो गया और बस थोड़ा फ्री है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि चैनल के लिए, हमारे चैनल के लिए जो टूल्स और इक्विपमेंट्स के लिए मैं फ़ंड रेज कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर जाके सपोर्ट करना है तो चैनल के लिए थोड़ा सपोर्ट कर लो। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को जितना होता उतना शेयर कर लो। आप फ्री में कर सकते हैं, जितना तुम शेयर करोगे उतना ऑडियंस बढ़ेंगे और हमारी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे नए हो तो। तो चलो वीडियो चालू करते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। और यह है पिस्टन जो बिना ऑयल चला के स्ट्रक हो गया, और सेंटर का जो पिन भी स्ट्रक हो गया। इसको मैं मार के निकाला और गर्म करके निकाला, दोबारा मारा, इसको गर्म किया, दो तीन बार गर्म किया ऐसा, दोबारा मारा, नहीं निकला। ठीक है, तो ये की रीज़न जो है, जो पिन है जो ओवरहीट होके या के इधर सिपड़ के बैठा है, किसी भी हाल में ये निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या सोचा कि ये सेटअप मैंने किया। आपको चाहिए ऐसा जो पिन, जो बैटरी की नट्स, 8 mm का नट और 8 mm का जो सॉकेट है वो, और 8 mm का जो वो अभी 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 नहीं होएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, ये जो बैटरी के जो नट हैं तो फीचे की तौर से ये बैठना है। क्यों बोले तो ये जो नट का शेप है वो एग्जैक्टली वो पिन में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर में ऐसा पिस्टन आएगा। ठीक है, इसके फीचे ये जो सॉकेट बिठाओ, 8 mm का सॉकेट, और उसके पीछे एक स्पेसर, और उसके पीछे टाइट करने के लिए 8 mm का नेट। ठीक है, तो टाइट कर लो ऐसा, ये टाइट हो जाएगा, उधर भी जाम हो जाएगा, और एक साइड से ये क्या करेगा बोले तो, जैसे टाइट करेंगे पिस्टन के अंदर से जो पिन है वो अपोजिट साइड से अदर साइड आ जाएगा। ठीक है, यही है प्लान, उसके हिसाब से चलना। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर डालते हैं पिन, ये जाके एग्जैक्टली वो पिन पे बैठ जाता है, वो साइज़ का सेम है, और ये साइड से जैसे मैं बोला था वो 8 mm का सॉकेट इधर बिठाना है और उसको चेंज करना है। थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि वो सॉकेट को चेंज करना है। ठीक है, वो 8 mm का है तो उसको चेंज करना है, क्यों अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे आप टाइट करोगे, ठीक है, वो पिन को उधर से ढकल के उधर लेके आएगा, यही है प्लान, यही है कॉन्सेप्ट। तो देख लो, जैसे टाइट करोगे ये उधर थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा। ये थोड़ा उतना जाम नहीं है कि समझ लो, और ये ओवरसीज़ होके जो जाम होता है तो फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा ऑयल यूज़ करके वो साइड से ले लेंगे। देखिए थोड़ा आ गया है, तो ये वो स्पेसर बस नहीं आएगा, पिन इसके अंदर से आना है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, और एक स्पेसर, और एक स्पेसर, उसके पीछे 8 mm का नट। ठीक है, टाइट करते आना है, ये उस साइड से आ जाएगा। तो देख लो कि जैसे टाइट करके लूज़ करेंगे तो पिन बाहर आ जाता है, और ये सिंपल तरीका होता है कि इसको, ये पिन को निकालने का, और इजी भी हो जाता है। ठीक है,
तो जैसे देख रहे हैं ये पिन बाहर आ गया है, तो देख रहे हैं ना पिन बाहर आ गया इजी से, तुम भी यूज़ कर लो और इस वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़, अगले वीडियो में देखते हैं।